हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के बीच में एक नया प्रोडक्ट लेकर आया हूँ जो कि स्टॉक ब्रांड का ही एयर फायर है, जो कि मार्केट में काफ़ी अभी इस प्रोडक्ट अभी चल रहा है। तो इस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, ये मशीन बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है, ऑफ है। इसका पावर केबल भी लगा हुआ है, बिल्कुल ऑन है। तो इसको हम आपको रिपेयरिंग करके बताएंगे कि क्या दिक्कत है इसमें। तो आप वीडियो में बने रहें, हम आपको फुल्ली रिपेयरिंग करके आपको बताएंगे, जो कि काफ़ी बहुत ही ब्रांड का मार्केट में अभी सेल हो रहा है, जिसमें स्टॉक ब्रांड भी काफ़ी मार्केट में सेल हो रहा है। तो बिल्कुल आप वीडियो में बने रहें, हम रिपेयर करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसको ओपन करने के लिए टेम्परेचर नॉब होता है, इसको हम ओपन कर लेंगे। इस तरह से ये ओपन होता है। उसके बाद ये प्लेट होता है, सिल्वर प्लेट, इसमें लॉक होता है, यहाँ से इसको ओपन किया जाता है। ठीक, हाँ, ये प्लेट जो है ना, प्लेट इस तरह से हम इसमें क्लिप होता है, इस तरह से आप निकाल लेना। उसके बाद यहाँ पे चार स्क्रू होता है, स्क्रू को ही आप ओपन कर लेना। इस तरह से हम स्क्रू को ओपन कर लेंगे। स्क्रू ओपन होने के बाद फिर ये कवर होता है, ये कवर ऐसे निकल जाएगा। इस तरह से बास्केट निकाल लेंगे और ये इस तरह से ये कवर ऊपर का जो टॉप बॉडी होता है ये निकल जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इसमें इशू क्या है। इशू बेसिकली रूप से होता है, इसमें एक फ्यूज होता है, जो थर्मल फ्यूज होता है उसको हम लोग चेक करेंगे, साथ साथ इसका मोटर होता है और टेम्परेचर होता है। और बेसिकली रूप से जिसमें प्रॉब्लम होता है वो थर्मल फ्यूज का होता है। तो हम आपको बताएंगे कि थर्मल फ्यूज कैसे चेक करेंगे। ठीक है सर, वीडियो में बिल्कुल बने रहे। चैनल पर नया सब्सक्राइबर है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। तो हम सब ये यहाँ इसका ये होता है, ये मोटर होता है और इसके ये हो गया आपका टेम्परेचर होता है, और इसका जो है थर्मल फ्यूज हम चेक करके मल्टीमीटर से चेक करेंगे और हम आपको बताएंगे। वीडियो में ज़रूर बने रहें। और ये जो होता है, ये थर्मल फ्यूज का जो है ना, यहाँ से गया है अंदर। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे लगा के, कैसे इसका चेक होता है, ये फ्यूज ख़राब है या सही है। तो इसको हम लोग चेक करेंगे अभी, आप वीडियो में बने रहे सर। इस तरह से आप कोई सा भी ब्रांड का हो एयर फायर, आप इस तरह से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। बेसिक रूप से जो इसमें प्रॉब्लम होता है ऑन नहीं होने कारण थर्मल फ्यूज ही होता है, और थर्मल फ्यूज इसको आप चेंज कर देंगे, बिल्कुल मशीन आपकी एयर फायर आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है सर, तो मल्टीमीटर से इसको, ये थर्मल फ्यूज का कनेक्शन होता है, यहाँ से हम चेक करेंगे। और आपको जो मल्टीमीटर को जो आप पोजीशन रखना है वो आपको बर्जर मोड में रखना है। और इसका देखिएगा, रेंज अगर नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब है आपका ये फ्यूज ख़राब है। तो फ्यूज इस मशीन का ख़राब है, हम लोग चेक कर लिए मल्टीमीटर से। और यहाँ से कोई सा भी आपका ब्रांड का हो, अलग अलग इसका जो है ना थर्मल फ्यूज का सेटिंग होता है, आप वो आपको पता चल जाएगा सामने कोई भी ब्रांड का हो। और स्टॉक ब्रांड का अगर ये मॉडल आपका है तो आप इस तरह से आप लगा सकते हैं। और ये हम थर्मल फ्यूज इसको हम चेंज कर रहे हैं, और इसको थर्मल फ्यूज चेंज करके अभी हम आपको ऑन करके फिर दोबारा दिखाएंगे। तो नया थर्मल फ्यूज हम ले लिए हैं। और यहाँ से एक पोजीशन इसका जो होता है, एक साइड इसका इस तरह से यहाँ हम इसको अटैच करेंगे। इसका जो है ना, ये थर्मल फ्यूज का एक साइड जो होता है, इसमें ये दो खुट्टी है, तो पहला इसमें आप अटैच कर लेना और दूसरा ये जो है ना यहाँ पे कनेक्शन कर देना है इसका, इस तरह से उसमें जॉइंट कर दीजिएगा। बहुत ही इजी है इसका रिपेयर करना, आप ये वीडियो देख के आप खुद से इसको रिपेयर कर सकते हो। वीडियो में आप बने रहें, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।
अगर आपके एयर फ्रायर में कोई भी इशू हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका हम ये कनेक्शन इसको हम जोड़ दिए हैं दोनों स्लॉट में, अब इसको हम ऑन करके देखेंगे। सर इसका हम कनेक्शन इसको अटैच कर दिए हैं दोनों, अब इसको हम ऑन करके देखेंगे। तो इस तरह से हम अभी इसको पूरा प्रॉपर फिट नहीं किए हैं। सबसे पहले ऑन करने के लिए जब तक ये बास्केट नहीं लगाएंगे आपका मशीन ऑन नहीं होगा। तो बास्केट लगा दिए हैं, यहाँ से पावर को हम ऑन करके ये देखिए ये बिल्कुल ऑन हो चुका है मशीन। तो सर इसका जो है ना हम लोग थर्मल फ्यूज चेंज कर दिए हैं और इसको बिल्कुल हम एक बार ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से ये थर्मल फ्यूज हम देखें, ये जो केबल है हम लोग चेंज कर लिए हैं। अब इसको एक बार ऑन करके देखते हैं, पावर केबल लगा रखा हूँ। बास्केट भी बिना बास्केट के ये मशीन ऑन नहीं होगा। और ये जो मशीन है ये आपका मैनुअल मशीन है आपका एयर फ्रायर का, जो कि यहाँ से जब टेम्परेचर आप ऑन करेंगे और बास्केट लगा के तब ये मशीन आपका ऑन होगा। पहले बिल्कुल डेड मशीन थी। अब देखिए जैसे आपका इसको टेम्परेचर का ये ऑन करेंगे, टाइमिंग सेट करेंगे, देखिए बिल्कुल मशीन ऑन हो गई है। इसका फैन भी चल रहा है बिल्कुल, पहले बिल्कुल ये मशीन बंद थी। तो इस तरह से आप ये कोई सा भी ब्रांड का हो, स्टॉक का या फिलिप्स का, पीजन का, प्रेस्टीज का या इनाल्सा का, आप इस तरह से आप चेक कर सकते हो इसका थर्मल फ्यूज का ही प्रॉब्लम होता है। बेसिकली थर्मल फ्यूज पहला ऑप्शन होता है, दूसरा होता है इसमें ट्रांसफार्मर का जो मोटर होता है। तो इस तरह से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो एयर फेयर संबंधित अगर कोई भी परेशानी हो, स्टॉक का हो या अदर ब्रांड का भी हो, तो इस तरह से आप वीडियो देख के आप रिपेयर कर सकते हो। तो सर चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई भी इस तरह से अगर आपके एयर फ्रायर में प्रॉब्लम होता है ऑन का या नहीं ऑन हो रहा है, तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें इस नंबर पर। थैंक यू।